तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम लोग बात करने वाले हैं WTC को लेके। बाहर चलते हैं न्यूज रूम में और बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए तो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मेकअप रूम में ही, कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसको लेकर लगातार बातें भी की जा रही है और अब फाइनली टीम इंडिया की स्क्वाड भी आ गई है, जहां पर बहुत सारे खिलाड़ी आपको जैसे रहाने की वहां पे वापसी भी है और जो कॉम्बिनेशन है वो फिलहाल बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन देखते हैं कि WTC में इन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहता है और इस बारे में हम बात करते हैं। पहले मेरे सामने है अभी रोहित सर, आप इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट का, तो ये बताएंगे हमें डिटेल में। देखो, टीम आ गई है और उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी, रहाणे का जिस तरीके से कमबैक हुआ है CSK के लिए, वो खेलते हुए दिखेंगे, तो मुझे लगता है रहाणे एक आपके लिए इम्पैक्ट हो सकते हैं WTC में। पिछली बार आपको हार मिली थी, आपने छोटी छोटी गलतियां की थी, रहाणे की जगह आपको और भी प्लेयर ऐसे नहीं नहीं मैं तो मुझे तो कोई नहीं, कोई भी कुछ भी बोले मुझे रहाणे से, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे WTC के फाइनल में आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो आप रहाणे को प्रेफर करेंगे। सरफराज का क्या कुछ है, आप इंडिया देख लिया स्ट्रगल का ठीक है, उन्होंने मिस्त्री बहुत रन बनाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रहाणे से बेहतर विकल्प ऋषभ पंत की और मौजूदगी में कोई हो सकता था। स्काई को आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर स्काई को एक दो मुकाबले में आप लेकर आए, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन क्या। अब आप WTC में क्या है ना, आप बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं कि आपको फायर पावर ही ले जानी है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। हम पिछली बार देखिए, 4 दिन का 5 दिन का टेस्ट मुकाबला जिसमें एक दिन तो बारिश हो गई थी और तब भी हमको न्यूजीलैंड ने हरा दिया, हम लगभग 1.5 दिन तक हम हावी थे उन पर, तो हमें इन छोटी छोटी गलतियों से अपने आपकी सीखना होगा। हमने जो गेंद बुमराह नहीं हमारे पास, विकेट कीपर आप किसे देख रहे, KS भरत को या फिर KL राहुल को? मुझे लग रहा है कि मैं KL राहुल को देखूंगा, है ना, KL भरत को मैं तो टीम में ही नहीं रखूंगा, मैं KL राहुल को एज अ विकेट कीपर देखूंगा और KL राहुल विकेट कीपिंग करें, 5वें नंबर बल्लेबाजी करते हुए देखें तो KL नहीं, वो तो ओपनिंग करेंगे वहाँ पर, रोहित और KL, हाँ तो मैं तब भी KL राहुल को वहाँ पर देखूंगा एज अ विकेट कीपर, KL राहुल विकेट कीपिंग भारत के लिए करें। और मैं मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जयदेव उनादकट के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर हैं, आप जडेजा अश्विन के साथ जाएंगे ही जाएंगे, 5 के हो गए आपके, रोहित 6 हो गए, राहुल 7 हो गए, विराट 8 हो गए, चेतेश्वर पुजारा 9 हो गए, और कौन बचा, चेतेश्वर पुजारा है, हाँ रहाणे 10 हो गए, और एक फिर आप चाहे शार्दुल पे चले जाइएगा, 11 हो गए आपके लिए, तो ये 11 मैं तो इसी 11 पे जाना चाहूँगा, क्योंकि आप 4 तेज गेंदबाज के साथ जाइए बहुत अच्छा है, तो ये 11 जो है तो मैं इन्हीं के साथ जाना चाहूँगा। और आप कोई भी गलती मत कीजिए यार, दूसरा मौका है लगातार, आप पहुँचे बड़ी मेहनत करके, अब की आप चैंपियनशिप जीत कर आए, और रोहित के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि रोहित जिस तरीके से सवालों के घेरे में है एज अ कप्तान, यहाँ पर अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं भाई, तो फिर आगे एशिया कप, फिर उससे बड़ा वर्ल्ड कप, तब आप रोहित पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, वरना फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप फिर वही बातें करने लोगों की, विराट को आपने कप्तानी से हटाया, क्या कुछ मिला आपको, आपको तो ट्रॉफी चाहिए ना, डिटेल में मत जाइए, सारी आप क्रिकेट की बातें यहाँ कहेंगे, फिर लाइव में क्या कहेंगे आप? लाइव में तो मैं आजकल आ नहीं रहा हूँ, 2-3 दिन बाद ही ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं डिटेल में पूछ लेती हूँ और बाकी हम लोग न्यूज रूम में जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सृष्टि भी है, सृष्टि अगर कुछ कहना चाहेगी WTC के स्क्वाड को लेके, पहले वो बताओ टेस्ट मुकाबला है, टेस्ट का फाइनल वर्ल्ड टेस्ट की बात है, सबको नहीं पता, लेकिन अभी रोहित सर से KL राहुल का नाम सुना, हाँ अच्छा लगता है, आपको का पसंद तो अच्छा है, KL राहुल ठीक है, तो इनकी जो पसंद है KL राहुल है और ये चाहते हैं कि WTC में वो KL राहुल बेहतर करके दिखाए, हालांकि वो अभी अच्छे फॉर्म से नहीं जा रहे, लेकिन जो जिस हिसाब से टुक टुक पारी उनकी चल रही है तो लगता है कि WTC में वो करके दिखाएंगे। नम्रता मैम, क्या सवाल पूछो, सवाल आप ही बता दीजिए, वैसे तो मुझे लगता है आप पॉलिटिक्स ज्यादा कवर करते हैं, मुझे कोई ऐसी लड़की सपना जानू ऐसी लड़की है, इसको पता है कि मुझे कुछ भी नॉलेज है लेकिन स्पोर्ट्स की नहीं, और ये अंदर के स्पोर्ट्स के सवाल पूछती है, तुम WTC का जिक्र कर रही हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, अरे WTC छोड़ो आप, मैं पॉलिटिक्स वाली बात कर दीजिए, ईद पर क्या हुआ, ठाकुर का मामला यार कहीं तो बोलने दो, ईद पर 250 मुसलमान ऐसे जिन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ी, तो खबर ये मिल रही है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, UP से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, और WTC में भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ में खेलेंगे, मैं चाहती हूँ भारत जीते, मैं यही कह रहा था, ये बहुत बड़ी खबर थी नम्रता मैम ने, अरे सपना सुनो पहले, मैं यही कहने आ रहा था कि ये कह रहे थे ना कि स्पोर्ट्स का नहीं पता, आजकल पूरा IPL देख रहे हैं, हाँ क्यों देख रहे हैं, रीजन भी तो बता दीजिए, क्योंकि नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, आप हस्बैंड को पसंद है, मेरे पसंद है कि मुझे अब देखना पड़ रहा है मजबूरी में, ये मजबूरी है इनकी, इनको देखना नहीं पसंद,
पॉलिटिक्स में नम्रता मैम बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको देती है एनएमएफ न्यूज में, तो और इन लोग हमारे साथ एक एक करके बात करते हैं। राहुल सर है और आकाश सर है, ये मेरी ब्लॉग में हमेशा आप जैसे बोलते हैं कि अब बस हो गया, देखिए देखिए आ जाओ आज का, इन्हें मेरा ब्लॉग भी करना होता है। हो गया इनका। अच्छा ये कुछ तो बोल दीजिए। क्या बोल दूँ सर, ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया, आप लोग मेरे ब्लॉग में कुछ बोलते नहीं है, बाकी आप बहुत ज्यादा से हल्ला करते हैं। हल्ला करना तो नेचुरल है, बताओ क्या कुछ। वही तो मैं बोलूँ मेरे ब्लॉग में भी कुछ ऐसा करिए कि इंटरेस्टिंग लगे तुम्हारे मन में। बड़ी हाँ मेरा हो गया, इनका हो गया। ये सबसे बड़े हमारे क्रिकेट के जर्नलिस्ट है यहाँ पे आशीष सर। हाँ बहुत पता है इन्हें, सब पता है क्रिकेट के बारे में। बताइए कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? पर्दे के पीछे क्रिकेट कुछ बोलेगा, आज जीतेगी इंडिया। इंडिया आज नहीं, अभी तो आईपीएल चल रहा है। आईपीएल चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीसी को लेकर। इंडिया 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 इंडिया। हर जगह इंडिया इंडिया शोर है। सौरभ सर जी, आप इतनी जगह घूमते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कभी आपको किसी खिलाड़ी से मिले हैं आप इंडियन टीम के? जब बनारस में गए थे ना बीसीसीआई के स्टेडियम बनना, उसके लिए जब जमुन फाइनल हो रही थी उसको देखने गए थे उस दौरान। और अभी जो डब्ल्यूटीसी को लेकर हम बात कर रहे हैं उसको लेकर, बस रोहित शर्मा की कप्तानी में पूरा भरोसा है और हमको ये उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। रहाने और शार्दुल ठाकुर से भी उम्मीद है, उनको जो मौका मिला ये है। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे बैठ के, कैमरा ऑन होने के बाद पहली बार मेरे पास आई, यही चीज मैंने आपको आके बताई थी, आपने वही कब बता दिया या फिर ये पांडे सर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे? तो हम ये माननीय मोदी जी को भी देख रहे थे ना, तो आप ये क्या सर्च कर रहे हैं? ये माननीय मोदी जी को देख रहे हैं, माननीय मोदी जी को देख। हाँ ओके, बाकी तानिया आप बात करेंगी? बिल्कुल करेंगे, मुझे नहीं पता कैमरा रोल कैसे में। लेकिन आप इंडिया को तो सपोर्ट करती है ना, तो क्या पाकिस्तान देखती है मैच? डब्ल्यूटीसी स्क्वाड के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे को लगा काफ़ी पक्की टीम है आपकी बार। हाँ बुमराह नहीं है टीम में, पर फिर भी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा लग रहा है। सिराज है, शमी है, मतलब ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो मज़ा आ जाएगा देखकर। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो ज़्यादा स्कोर करते हैं उनको ऑरेंज कैप मिलती है, पर जब रहाने ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं उनको ब्लू कैप मिल गई। बताइए वापस से वो आ गए डब्ल्यूटीसी में, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? अब रहाने के आने से खुश है? रहाने के आने से मतलब अब पॉजिटिविटी आएगी टीम में, क्योंकि वो इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे आईपीएल में कि मतलब अब उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा। अब जैसे आप देखें कि रहाने और पुजारा को दोनों को बाहर कर दिया था पहले तो ठीक है, बट अब उन्हें वापस टीम में लाया गया क्योंकि उनकी मतलब जैसे अब वो नहीं खेलते कोई भी, तो रणजी में परफॉर्मेंस देखकर उनकी, उन्होंने अच्छा खेला, उनकी वापसी हुई, मतलब ऐसा ही होना चाहिए टीम में। पर मेरे को टीम बहुत लाजवाब लग रही है, रोहित की कैप्टनसी में मेरे ख्याल से कोई नहीं रोक सकता, डब्ल्यूटीसी अपना है। और बाकी पूरी इसका मतलब आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा पे कप्तानी को उनके भरोसा कर रहे हैं आप? हाँ एकदम, मतलब रोहित बेस्ट है काम, जब उन्हें उनको पता है कि कब गुस्सा अपना शांत करना होगा और उनको ये भी पता कब अपना गुस्सा दिखाना है, तो वो उस हिसाब से टीम को अपने साथ ले जाते हैं, उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली, मतलब विराट कोहली तो है, उनका तो फुल जोश है, मेरे ख्याल से मचा देंगे अब की बार, तो अब की बार डब्ल्यूटीसी। ठीक है, फिलहाल हमने बहुत सारी बातें कर ली है डब्ल्यूटीसी को लेकर और थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट भी इसमें मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नई चीजें लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।